हम लोग पहुंच गए हैं रायपुर की एक ऐसी लोकेशन पे जो आज के समय में रायपुर की यूथ की सबसे फेवरेट प्लेस है, और ये है रायपुर का MD यानी कि मरीन ड्राइव। यहाँ पर आप शाम को देखेंगे तो मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, वॉक करने आते हैं, और इसकी वजह है कि इतना सुंदर है इसे बनाया गया है। और इसके साथ साथ सामने आप देखेंगे मरीन ड्राइव के जस्ट सामने तो यहाँ बहुत अच्छी चौपाटी लगती है, और इतने अच्छे अच्छे कैफेज और यहाँ पे कॉफ़ी कॉर्नर्स और बड़े बड़े ऐसे यहाँ पे दुकान है जहाँ पे लोगों को अपने मनपसंद खाने की चीज़ें मिल जाती है। तो इसलिए ये रायपुर का बहुत ही लोगों के रायपुर के लोगों का बहुत ही फेवरेट प्लेस है। और इस जगह को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल, यानी कि हमको जहाँ जाना है। हम जा रहे हैं आज रायपुर के राम मंदिर, और ये राम मंदिर मुड़ यहाँ से मेन सिग्नल है, और यहाँ से मुड़ के हम सीधे पहुँच जाएंगे राम मंदिर। और ये ठीक सामने दिख रहा है राम मंदिर का एंट्रेंस। तो जैसा कि 7:30 बज चुके हैं, और 7:30 बजे से यहाँ पे जो भोजन प्रसाद है उसका कूपन मिलना शुरू हो जाता है, जो सिर्फ 20 रुपए का है। हमने कूपन काउंटर से 20 रुपए का कूपन ले लिया है, और अब हम जो है श्री राम अन्न प्रसादम भोजन प्रसाद सहयोग राशि 20 रुपए के जरिए अब हम जो है यहाँ पर अन्न प्रसाद ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। तो आप भी जो है यहाँ पर आइएगा और इस प्रसाद का जरूर लाभ लीजिएगा। हम चलते हैं अब भगवान श्री राम के इस भंडार गृह में, भोजन भंडार गृह में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे हम पहुंच गए हैं श्री राम मंदिर अन्न प्रसादम। जी हाँ, ये रायपुर की एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बिल्कुल घर के जैसा खाना मिलेगा, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर कैसी व्यवस्था है, किस तरह से खाना बनता है, क्या क्या मिलता है, और लोग यहाँ पे जो दर्शन करने आते हैं वो प्रसाद के रूप में इस खाने को कैसे ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे अभी। हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर भंडार गृह में, भोजन जहाँ पर भोजन प्रसादी परोसी जाती है। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार जो है यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि हर कोई जो यहाँ पर पहुँचता है वो भगवान श्री राम के इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करने के लिए आता है। और जो है आप देख सकते हैं सिर्फ महज 20 रुपये में भर पेट खाना, या कहें कि 20 रुपये में जो है यहाँ पर थाली मिलती है। और अब हम जो है इस कतार में लग गए हैं, ये लाइन देखिएगा मेरे पीछे जो लगी हुई है, और मैं सबसे आखिरी नंबर पर हूँ, और मैं यहाँ पर जो है अन्न प्रसाद जो है वो लेने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि अभी 5-7 मेरा नंबर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ की सर्विस जो है वो बहुत फास्ट है। करीब करीब 550 लोगों को यहाँ पर जो है एक टाइम पे जो है खाना सर्व होता है, और लोग जो है पूरे व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर खाना लेकर और यहाँ पर जो सीट उपलब्ध हैं वहाँ पर बैठते हैं, और बाकायदा जो है पूरे बढ़िया इत्मीनान से यहाँ पर लोग प्रसाद पाते हैं, और उसके बाद अपनी जूठी थाली जो है लोग यहाँ पर रखने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही परंपरागत ढंग से, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर जो है पूरा अन्न प्रसादी का जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपको उस काउंटर के अंदर ले चलता हूँ जहाँ पर ये प्रसाद जो है वो वितरित हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने जो है अपनी थाली ले ली है, ये प्रसाद जो है मैंने खा लिया है, और मैं अब यहाँ पर इसको अपने हाथ से लेकर, ये भी यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, तो ऐसे अपने हाथ लेकर जो है मैं यहाँ पर टेबल में जाऊँगा और वहाँ बैठ के खाऊँगा। तो मैं आपको जो है अब ये थाली दिखाता हूँ। इस थाली के साथ चलता हूँ, और हम ये देखिए हम पहुँच चुके हैं अपने टेबल पर, और मैंने ये थाली यहाँ पर रख ली है, और अब जो है हम इस प्रसाद को बढ़िया इत्मीनान से बैठकर ग्रहण करेंगे, और आप भी जो है इसका लाभ लीजिएगा जब भी आप यहाँ पर, इसे मिस मत कीजिएगा।
भी खाली नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना रहता है और इतना आप लोग इस खाने का, इस भोजन का आनंद जरूर लीजिएगा जब भी आएंगे तो। और टाइम स्टार्ट तो 7:30 बजे से शुरू हो जाता है, 7:30 से रात को 10 बजे तक और सुबह 10:30 से 2 बजे तक। तो आप इसी टाइम पर आइए और यहाँ भोजन खाने के साथ का आनंद जरूर। इस वक्त मेरे साथ हैं अजय कुमार जी जो कि यहाँ पर इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं यहाँ के, और हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से अन्न प्रसाद की व्यवस्था होती है, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और किस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है निरंतर निरंतर चली आ रही है। 7 बजे से स्टार्ट होता है सुबह, फिर 11 बजे कम्प्लीट होता है, 11 बजे से फिर भोजन स्टार्ट होता है देना, फिर 2 बजे बंद हो जाता है, जो कि एक टाइम में 250 से 300 आदमी खाते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में। तो जो रात के खाने की व्यवस्था रहती है वो किस प्रकार से रहती है, वो सुबह जैसी रहती है कुछ में बदलाव रहता है? सब्जी चेंज रहता है, बाकी चावल रोटी सेम रहता है। अच्छा, सेम रहता है। तो बताइए कौन कौन सी आज जो है शाम के जो खाने में है, अन्न प्रसाद में है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं आपके पास? देखिएगा यहाँ पर जो है शाम के जो खाने की व्यवस्था है, अन्न प्रसाद की व्यवस्था है, उसमें चावल है, रोटी है, एक प्रकार की सब्जी है और दाल है। और अजय जी जो है जो यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर जमा रहे हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तत्काल जो है वो खाना जो है उनको मिलता रहे। और खाने की जो क्वांटिटी है वो इतनी होती है कि आप जो है दोबारा ले ही नहीं पाएंगे, इतना खाना देते हैं एक बार में, पर्याप्त भोजन रहता है। और ये अब जो है अचार भी जो है इसमें शामिल है, और ये अचार भी जो है थाली के साथ में मिलेगा। अजय जी हमारी रिक्वेस्ट पे जो है एक थाली तैयार कर रहे हैं, जो थाली जो है अन्न प्रसाद के रूप में यहाँ पर दी जाती है, और उन्होंने जो है इस पे अभी चावल रखा हुआ है। और अजय जी कितनी रोटी रहती हैं? चावल के साथ में 2 रोटी रहती है। अच्छा, चावल के साथ 2 रोटी रहती है, और ये दाल रख रहे हैं इस पे। अच्छा, और सब्जी जो है आज आलू की सब्जी बनी हुई है? आलू। अच्छा, चना दाल। अच्छा अच्छा, जी जी जी, बहुत बढ़िया। और ये गुड़ है, आप देखिएगा ये गुड़ भी दिया जा रहा है क्योंकि मिठाई भी, थोड़ा सा मिठाई बहुत ज़रूरी है। तो ये थाली लग चुकी है और ये थाली जो है अजय जी ने हमारी रिक्वेस्ट पे तैयार की है, हालांकि वितरण थोड़ी देर बाद शुरू होगा। अजय जी 7:30 बजे आरती के बाद में शुरू होगा। अच्छा, भोग लगाते हैं क्या इस चीज का? भोग लगने के बाद में। अच्छा, फिर इधर स्टार्ट होता है 7:30। अच्छा, बना लिया है आपने पूरा खाना, भगवान को भोग लगने के लिए गया हुआ है? ऑलरेडी लग गया है। अच्छा, भोग लग गया है और जो है उसका वितरण शुरू होगा 7:30 बजे आरती के बाद। अच्छा अजय जी, एक कूपन में जो आपने थाली दी है वो एक कूपन की थाली है, अगर लोगों को कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो कौन कौन सामग्री? दाल दोबारा परोस जाता है। अच्छा, बाकी चावल रोटी एक ही बार रहता है। हाँ, उतना पर्याप्त है लोगों के लिए, 20 रुपए के कूपन में उतना रहता है जी। अच्छा अजय जी, कितने कर्मचारी आपके जो है यहाँ पर लगे रहते हैं दिन भर? कर्मचारी 10-12 लोग हैं। अच्छा, 10-12 लोग। अच्छा अच्छा, और इसमें जो चीज़ें बनाते हैं जैसे आप सब्जी काटते होंगे या फिर रोटी बनाते होंगे, इसके लिए मशीन लगी हुई है यहाँ पर? ऑलरेडी मशीन लगा हुआ है रोटी का। अच्छा, बर्तन धोने वाला भी है। अच्छा मशीन। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू, जय श्री राम। देखिएगा इतनी थाली जो है वो धुल मंच के तैयार हैं, अब ये थालियां जो हैं वो लोगों को जो है थालियों में खाना परोसा जाएगा। करीब करीब 250 से 300 थालियां यहाँ पर हैं। 550 थालियां हैं, 550 थालियां जो हैं यहाँ पर हैं, और इन थालियों में जो है सभी लोगों को खाना परोसा जाएगा बहुत ही सफाई से। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर जो सफाई है वो आपके किचन के बराबर सफाई है, मतलब उससे और बेहतर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है सफाई में, पूरी व्यवस्था जो है बेहतर है, हाइजीन के साथ हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है। और जो है यहाँ पर कर्मचारी दिन रात जो है प्रभु भक्ति में, भगवान श्री राम की भक्ति में जो है यहाँ लगे रहते हैं और ये अन्न प्रसाद तैयार करते हैं। और अब जो है हम भगवान श्री राम के इस विशाल मंदिर की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान श्री राम का भजन जो है, कीर्तन जो है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ रैंप भी लगा हुआ है ताकि बुजुर्ग लोग आसानी से चढ़ के जो है ऊपर पहुँच सकें, और सीढ़ी पर भी है, और हम तो है सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए इस मंदिर के अंदर जो है वो दाखिल होंगे। Yeah.
मंदिर के ठीक सामने एंट्री जहाँ से होती है श्री राम मंदिर की, उस मंदिर के ठीक जो है बाएं तरफ पर ये लड्डू प्रसादम है। आप देख सकते हैं श्री राम लड्डू प्रसादम, और हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर जो है हम भाई साहब से जो है मुलाकात कर रहे हैं। भैया ये जो लड्डू आप देते हैं भगवान श्री राम के लिए, हाँ एक लड्डू, ये लड्डू भैया किस प्रकार से बनाया जाता है? हाँ जी भैया, देसी का लड्डू है। आप देख सकते हैं ये लड्डू तैयार हैं, और एक लड्डू जो है उसी जिसका जो मूल्य है वो 50 रुपये है। और ये शुद्ध घी से बनाया हुआ मेवा मिष्ठान से, इसके अंदर जो है मेवा मिष्ठान है, और ये लड्डू जो है यहाँ पर रखा हुआ है वितरण के लिए। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, मंदिर बंद होने के पहले तक जो है ये वितरण होता है। और हमने जो है यहाँ पर ये लड्डू लिया हुआ है, बाकायदा इसकी जो है रसीद भी हमको दी जा रही है। ये श्री राम मंदिर निर्माण समिति के द्वारा संचालित श्री राम लड्डू प्रसादम, एक तरफ जो है अन्न प्रसादम है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर श्री राम लड्डू प्रसादम है। तो दोस्तों हमारा आज की जो शाम है बहुत अच्छी बीती। हमने राम मंदिर में का पूरा आपको दृश्य दिखाया, यहाँ की आरती अटेंड की, और इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद अब हम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप और बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं रायपुर में, क्या आपको नया देखने का मन है तो आप बताइएगा, तो हम ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से नए नए वीडियोस तो लाते ही हैं, पर आप यदि कुछ स्पेशल देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर और अच्छी अच्छी जगह आगे भी लेकर आते रहेंगे। और इसी के साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।